हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद उजाला। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न हॉल। एंड अमेज़न से मैंने लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स एंड कुछ मैंने ज्वेलरीज भी लिया है, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन है तो अभी आपको ज्वेलरीज भी चाहिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस के साथ मैच करने के लिए। एंड साथ में ही आपको स्किन केयर का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि विंटर्स में आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लिए, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं, तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, सारे के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में माय हॉल स्टोर की लिंक पे मिल जाएगी। सिंगल लिंक पे आपको सारे ही प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। एंड जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है ग्लैम विद उजाला। ओके, एंड गाइस, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी हिट कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस से आप नोटिफाई हो सको। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, ये मैंने एक स्ट्रेटनिंग क्रीम ली है लॉरियल की। मैंने एक साल पहले ही इसे लिया था एंड मैंने घर में ही स्ट्रेटनिंग किया था, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था तो सारे पार्लर्स बंद हुआ करते थे एंड मैं जाना प्रेफर भी नहीं कर रही थी, तो मैंने घर में ही एक आंटी है उनके थ्रू करवा लिया, उनसे करवा लिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप शेयर करो, कोई कैमरा फ्रेंडली होता नहीं है, तो इस वजह से मैं उस पार्ट को शूट तो नहीं कर पाई, बट आपको ना एक सिंपल ब्रीफ में दे सकती हूँ कि आप कैसे करवाओ। बस ये कि आपके साथ ना कोई होना चाहिए जो आपके लिए 3-4 घंटे का टाइम निकाल कर फ्री रहे, बस और कुछ भी नहीं करना। आपको बस लेनी है ना ये लॉरियल की स्मूथनिंग क्रीम और न्यूट्रलाइजर का सेट है ये। आपकी हेयर शॉर्ट है ना, लाइक आपको शोल्डर्स तक हेयर है, तो ये एक पैकेट में ही हो जाएगी। एक सेट आती है ये 595 या 75 की, और अगर आपकी हेयर लेंथ मेरी तरह है ना, आपको दो सेट लग जाएंगे। लाइक ये जो पैकेट है ना 575 का, आपको दो सेट लेनी होगी, तो उसमें आपको ये वाली हेयर हो जाएगी। और ज़्यादा कुछ नहीं करना आपके हेयर्स को ना, पहले आपको वॉश करना है शैम्पू से, उसके बाद आपको स्मूथनिंग क्रीम लगानी है ये वाली, एंड बालों को बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट करके लगाना है। एंड हाफ एन आवर के लिए ना आपको उन्हें वैसे ही छोड़ देना है, फिर आप वॉश करो। फिर जब हेयर ड्राई हो जाते हैं तो उसकी आयरनिंग करवानी होगी आपको, और वो भी काफ़ी अच्छे से पार्ट बाई पार्ट करवानी होती है। फिर उसके बाद ना आपको न्यूट्रलाइजर लगाना है, ये रही आपकी न्यूट्रलाइजर क्रीम, एंड वो इसे बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लगाना है, इसे आपको आधे घंटे के लिए इसे भी रखना है, फिर वॉश करके ड्राई करके फिर आपको फाइनल स्ट्रेटनिंग देनी है अपने हेयर को, एंड आपकी हेयर स्ट्रेट हो जाएंगी। 1 ईयर के लिए तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि हो जाएगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था तो मुझे भी लगा था ये 2-3 महीने चलेगी, फिर उसके बाद नहीं चलने वाली, बट सीरियसली वो पूरा 1 साल चला एंड अभी भी वो सही थे, लेकिन थोड़े से ना वेव्स आ गए थे मेरे हेयर्स में, तो मैंने कहा चलो फिर से करवा लेती हूँ। तो मैंने 3 सेट ले लिया था, क्योंकि मुझे लगा था ना 2 सेट में नहीं हो पाएगी, तो ये एक सेट है जो मेरे पास रह गई है, तो इसलिए मैंने सोचा इस हॉल में इसे इंक्लूड कर देती हूँ, तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी बात है ना 575 में आपको 575 में ना आपको न्यूट्रलाइजर एंड स्मूथनिंग क्रीम दोनों ही मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी डील है। आपको 12,000-7,000 ऐसे लगते हैं ना पार्लर्स में, वहाँ आप 1,000 में आपका काम हो जाएगा। एंड 3 डेज आपको ऐसे ही रखना है अपने हेयर्स को, एंड 3 डेज के बाद में स्पा लेना है, कोई भी स्पा क्रीम ले लो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपको कौन सी स्पा क्रीम लेनी है, एंड देन शैम्पू कर लो, और आपकी हेयर ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप बिल्कुल लाइट फील करोगे। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो करती थी ना, मेरे हेयर्स ऐसे होते थे, मैं बार बार ऐसे 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 करती रहती थी, एंड जब से मैंने स्ट्रेटनिंग किया ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, एंड कोई भी टेंशन नहीं होती। कहीं भी जाना हुआ तो पहले से आधे घंटे पहले से हेयर्स को बनाना, इसकी तो कोई भी टेंशन नहीं होती। मैं आपको रिकमेंड करूंगी लॉरियल की जो ये क्रीम है ना सेट, ये आप लो, और अगर आपको उतने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है ना तो ये आपके लिए बेस्ट है। मेरे ना 1 वीक हो गया है करवाए हुए, एंड मेरे हेयर्स आप देख सकते हो कितनी अच्छी एंड शाइनी लग रही है, एंड बिल्कुल भी हेयर डैमेज नहीं होगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, मैं गारंटी दे रही हूँ हेयर डैमेज ज़्यादा नहीं होते। निंग क्रीम हो गई, उसके बाद आपको लेना है हेयर स्पा, तो स्पा के लिए आपको स्पा क्रीम लेनी है, तो इसके लिए आपको SCOTSOFT BC की स्पा क्रीम लेनी है, बहुत ही अच्छी स्पा क्रीम है ये, 500 ml क्वांटिटी है इसकी, एंड इसकी प्राइस
500 समथिंग थी, 500 टू 600, 594 या 75 ऐसे ही इसकी प्राइस थी। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसमें आपको क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 500 ml मिल जाती है। इसकी ना बड़ी वाली पैकेजिंग भी आती है जो कि 1700 1600 की मिलेगी आपको, ऑफर्स में आपको कम में मिल जाएगी, बट उतनी बड़ी पैकेजिंग आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ये वाली ले लो, ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो ना, तो स्ट्रेटनिंग के बाद ये वाली स्पा जरूर लेना, बहुत ही सही है। थर्ड जो मैंने लिया है वो भी एक हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट ही है, एंड ये है लॉरियल की हेयर ऑयल। एंड मुझे ना सीरम लेना था लॉरियल का, बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कौन सी सीरम लूँ, क्योंकि एक ना लॉरियल की एक्सटेंसो वाली आती है छोटी सी, तो उसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है कि वो मैं लूँ ना लूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी प्राइसी भी है। लॉरियल की एक और सीरम है जो 300 टू 400 में मिल जाती है, वो भी तो उसकी भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छी है मुझे, तो मैं ना उन दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ कि दोनों में से कौन सी लूँ, क्योंकि रिव्यूज़ तो दोनों के ही अच्छे हैं। तो आप कमेंट करके बताना मुझे कौन सी हेयर सीरम लेनी चाहिए आफ्टर स्ट्रेटनिंग। तो मैंने अभी हेयर ऑयल ले लिया है लॉरियल की, इसकी भी मैंने बहुत तारीफें सुनी थी, तो मैंने सोचा चलो इसे ट्राई करते हैं। 30 ml क्वांटिटी है इसकी, एंड 3 ईयर्स की सेल्फ लाइफ है, एंड इसकी प्राइस 299 rupees है, बट आपको थोड़े से कम प्राइस में मिल जाएंगे। एंड इसकी साइज़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्मॉल साइज़ है, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी साइज़ आप देखो। अगर आप ट्रायल के लिए भी लेते हो ना तो सही है, एंड मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हो इतना सा एक ही बार यूज़ किया है, एंड मुझे अच्छी लगी इसकी, मुझे इसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगे, मुझे मैं अपनी हेयर्स ना काफ़ी लाइट एंड शाइनी शाइनी सा लग रहा था, एंड ये आप देख सकते हो मेरे हेयर्स से आपको थोड़ी सी शाइन दिख रही होगी, तो ये मुझे सही लगी। बट सीरम ये नहीं है, मुझे एक सीरम लेनी है लॉरियल की, तो आप बताना कमेंट करके कि मुझे कौन सी सीरम लेनी चाहिए। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये है स्किन केयर प्रोडक्ट। अभी विंटर आ रही है, तो अभी विंटर में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इस टाइम में आपको बहुत ही अच्छी बॉडी लोशन चाहिए, थोड़ी सी जिसमें फ्रेग्रेंस भी हो एंड काम भी अच्छा खासा करे। तो इसके लिए मैंने लिया है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का वनीला सुगर बॉडी लोशन, एंड ये 24 आवर्स स्टे करता है, ऐसा इन्होंने बोला भी है, एंड रियली ये 24 आवर्स स्टे करता है। एंड इसकी जो स्मेल है ना, इतनी अच्छी स्मेल है, मैं क्या ही बताऊँ, आप परफ्यूम लगाओ या ये लगाओ बराबर है। एंड ये आप देख सकते हो इस तरह से आती है, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, एंड मुझे पर्सनली ना इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करना, बाथ एंड बॉडी वर्क वैसे भी स्मेल के लिए फेमस है, बट ये वर्क भी करता है। मैं अगर सुबह मॉर्निंग में लगा लूँ ना, तो मुझे इवनिंग तक मेरी स्किन ड्राई बिल्कुल भी फील नहीं करती, तो इसलिए मैं आपको ये वाली बॉडी लोशन रिकमेंड करूँगी। अगर चाहो तो आप ये वाली ले सकते हो, जिसकी प्राइस थोड़ी हाई है, 1299 इसकी प्राइस है, बट आपको ना अमेजन पे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये एक मेकअप प्रोडक्ट है, एंड इसमें मैंने लिया है फिटमी की कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड इसमें जो मैंने शेड लिया है वो 230 नेचुरल बफ है, एंड ये मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छी जाती है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही हैंडी होती है, आप कहीं इधर उधर जा रहे हो ना उसमें भी आप इसे कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया है वो है प्राइमर, एंड ये है इनसाइट की प्राइमर 3-in-1 प्राइम प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज, एंड ये प्राइमर मैं प्रेफर करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो इसकी प्राइस कम है, 199 rupees इसकी प्राइस है, उसमें भी थोड़े कम प्राइस में मिल जाती है, एंड ये इतनी अच्छी है, इतना अच्छा वर्क करता है ना, कि आपको कोई भी हाई एंड रेंज की प्राइमर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये काफ़ी सही लगती है अफोर्डेबल रेंज में। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो ना कोई सस्ती वाली प्राइमर, तो ये वाली प्राइमर आप ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा फील, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। ओके, मैंने लिया है ये है एक फाउंडेशन, क्योंकि मेरी फाउंडेशन बिल्कुल ओवर हो गई थी। एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास इतने फाउंडेशन होते थे, मैं सोचती थी कोई भी रिव्यूज देख लिया, नया कोई फाउंडेशन लॉन्च हुआ है, या फिर कुछ भी किसी ब्रांड ने नया कुछ लॉन्च किया तो मैं झट से बाय कर लेती थी, ये भी नहीं सोचती थी कि हाँ मुझे यूज कब होगा ये, मतलब क्या करूँगी मैं इतने सारे प्रोडक्ट का। 8-10 फाउंडेशन मेरे पास हुआ करते थे, एंड अभी का टाइम ऐसा है ना, वो सारे फाउंडेशन खत्म हो गए, एंड मुझे लिटरली फील हो रहा था कि क्या सच्चे में मेरे फाउंडेशन खत्म हो गए, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था इस बात पे। तो खुशी भी है कि चलो मेरे पैसे वेस्ट नहीं हो गए, बच गए, क्योंकि अभी वीडियो शूट करना होता है ना डेली, तो मेकअप तो करनी होता है, मेकअप में बेस में फाउंडेशन तो लगती है, तो इसलिए मैंने इस बार लिया मी की फाउंडेशन। शेड लिया है ना वो है 118 लाइट बेस, एंड ये मेरे स्किन टोन के साथ बहुत अच्छी जा रही थी। मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी
शेड को लेकर। तो मैंने एक बार स्टोर विजिट किया था, वहाँ पे मैंने शेड ट्राई किया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन इसे लिया। कम प्राइस में मुझे ऑनलाइन मिल रही थी तो इसलिए मैंने ऑनलाइन लिया। बस शेड की थोड़ी कन्फ्यूजन थी इसलिए मैंने स्टोर विजिट किया था। अगर आपके साथ भी ऐसा है ना तो आप एक बार स्टोर विजिट करो, वहाँ अपनी सेट चेक कर लो एंड प्राइस मैच कर लो, आपको ऑनलाइन सस्ते में मिल जाएगी। तो आप ऑनलाइन ही लेना, मैं ऑनलाइन ही बोलूँगी आपको लेने, अमेजन से ही बोलूँगी क्योंकि अमेजन पे काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो ये फाउंडेशन थी गाइज एंड ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स थे। अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ ये कुछ ज्वेलरीज है क्योंकि वेडिंग सीजन है तो ज्वेलरीज तो चाहिए ही। एंड एक ज्वेलरी मैंने एक वीडियो में पहना था, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आई थी कि दी आपने कहाँ से लिया, तो मैंने सोचा चलो जहाँ से लिया उसकी हॉल करूँ मैं फिर दिखा दूंगी। तो मैंने लिए प्रियाशी की ज्वेलरी, इसका प्रियाशी की नेकलेस सेट है ये एंड ये इतनी सुंदर है मैं क्या बताऊँ। मैंने इसकी पैकेजिंग कहीं खोल कर रख दी है। तो इसमें ना आपको इस तरह के इयररिंग्स मिलेंगे, ये आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं, जड़कन वाले। एंड मुझे ना इस तरह की ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरे पास एक अच्छी खासी कलेक्शन भी हो गई है जड़कन वाले ज्वेलरीज की। अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं उस तरह की हॉल भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। एंड इसके साथ बहुत सुंदर सी नेकलेस रिसीव हुई है मुझे, ये आप देख सकते हो पिंक के कॉम्बिनेशन में, पिंक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, इतनी सुंदर लगती है ना मैं क्या बताऊँ। मैंने एक साड़ी भी लिया है जो कि उसे भी मैंने एक वीडियो में पहना था, इंडिया ब्रांड की है। उसके बाद एक और अमेजन हॉल आएगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो साड़ी, उसके साथ मैंने इसे मैच करने के लिए लिया था एंड इतनी अच्छी जा रही थी मैं क्या बताऊँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको पसंद हो तो लो, पसंद क्या पसंद तो आ ही रही होगी तो आप भी ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। एंड इस तरह की ज्वेलरीज होती है थोड़ी सी प्राइसी तो होती है बट आपको अच्छा लगेगा लेकर, ऐसा नहीं कि कोई चीप सी प्रोडक्ट आप ले रहे हो। ये एक ज्वेलरी थी, अब नेक्स्ट दिखा रही हूँ ये भी एक बहुत सुंदर सी ज्वेलरी है एंड ये जो है ना सुखी ब्रांड की ओर से, इसकी पैकेजिंग मैंने संभाल कर रखी है। साथ ही इसमें ना आपको इस तरह का चोकर सेट मिलता है एंड ऊन कलर में लिया है बट ये मुझे ब्लैक में भी लेना है और आई थिंक ये ब्लैक में भी है अमेजन पे, तो मैं ब्लैक वाली भी ऑर्डर करूँगी। उससे पहले मैं आपको रेड वाली दिखा देती हूँ। आपको इस तरह के स्टड्स मिल जाते हैं इयररिंग की जो कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे, किसी साड़ी वगैरह में पहनो तो बहुत सुंदर लगेगी। इसमें आपको ना पर्ल के वर्क है, स्टोन नहीं है, आप देख सकते हो इसमें आपको पर्ल के वर्क मिलेंगे एंड मिड में रेड वाली जो है ना ये स्टोन है एंड जो व्हाइट वाली है ना वो पर्ल है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसके साथ बहुत सुंदर सी नेकलेस भी रिसीव हुई है मुझे, ये आप देख सकते हो इस तरह के अटैचमेंट के साथ है एंड इसकी नेकलेस आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं एंड अभी चोकर ना बहुत ज़्यादा इन है तो ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आएगी, बहुत सुंदर लगेगी। रिकमेंड करूँगी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो डेफिनेटली लेना, बहुत सुंदर सेट है ये। इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है माई हॉल स्टोर की लिंक पे, वहाँ आपको सारे ही लिंक मिल जाएंगे एंड वहाँ से आप अमेजन ऐप में भी जाकर शॉपिंग कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, इसी तरह की हॉल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो। ओके, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग।